अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ एंड डिज़ाइन की, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है वो मैसेजेस आ रहे थे और मेरी ये पर्सनल जो है वो चैट के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कमेंट्स किए थे कि मिस आप जो है वो काइंडली एंड डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करके हमें बताएं। तो यहाँ पर सो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो नई सीरीज़ का स्टार्ट करना है इन डिज़ाइन की, और इन डिज़ाइन में देखेंगे हम क्या फ़ीचर्स हैं इसके, किस तरह से जो यूटिलाइज होते हैं इसके अंदर। सो अगर अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इन डिज़ाइन। सो आप सबको जैसा कि पता है कि इन डिज़ाइन का जो प्रोग्राम है वो एडोब ने डिज़ाइन किया है, और ये प्रोग्राम जो है वो प्रिंटिंग लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए, जिसमें आप टैग्स, इमेजेस, शेप्स को यूज़ करते हुए बुक्स, पंपलेट्स, लीवलेट्स, पोस्टर्स, प्रोग्राम फ्लायर्स, मैगजीन्स, एक्स वाई जेड, आप बहुत सारी चीज़ों को इन डिज़ाइन में बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी होगा कि हम इन डिज़ाइन में ही क्यों बनाएं, हम क्यों एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेशन में नहीं बनाएं? तो रीज़न इज़ दैट के प्रिंट लेआउट के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन इन डिज़ाइन में मौजूद हैं, जो आपके पास इलस्ट्रेशन में और फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेआउट के हवाले से मतलब पेज साइजिंग, पेज के साइज़ इंक्रीज़ करना, और मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, हैडर फूटर अगर आपने मल्टीपल पेजेस पर अप्लाई करना तो आप कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग कैसे दे सकते हैं। इन डिज़ाइन में बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो यूनिक फ़ीचर्स हैं, और जिनको सामने रखते हुए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप मैगजीन्स हो गए और आप बुक्स ईज़िली, बहुत ईजीली डिज़ाइन कर देते हैं, चाहे वो बुक्स आपकी नंबर ऑफ़ पेजेस जितने भी हों, इसमें डिज़ाइन करना बहुत अच्छे स्टाइल से, या इसके अलावा बुकलेट्स होती हैं बहुत सारी, उनको भी आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से इन डिज़ाइन का जो पहला व्यू है आपके सामने पेज का, वो कुछ इस स्टाइल से होता है। यहाँ पर अगर आप गौर से इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर एक ब्लीड लाइन कहलाती है और एक कहलाती है मार्जिन, और एक होता है एक्चुअल एज ऑफ द पेजेस, जिसे आपको ये वाइट पेज दिख रहा है, इस वाइट का जो बॉर्डर बना हुआ है वो एक्चुअल एज ऑफ द पेज है, ठीक है। लेकिन आपको ये पिंक कलर की जो लाइन दिख रही है बॉर्डर स्टाइल की, ये मार्जिन लाइन है। मतलब जो भी आप काम करते हैं वो इंडिकेट करता है कि आप मार्जिन लाइन्स के इन साइड पर रहते हुए उस काम को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मार्जिन लाइंस क्या करती है? मार्जिन लाइंस जो है वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप टैग्स, इमेजेस प्रॉपर वे में पेजेस के एजेस के क्लोज़र रख कर उस चीज़ को डिज़ाइन कर सके, ठीक है। और ब्लीड लाइन आपको, अच्छा ब्लीड लाइन क्या करती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर द आउटर लाइन इज़ द ब्लीड लाइन, अच्छा डिपेंड करता है ब्लीड लाइन आपके ऊपर है, जितने भी ब्लीड लाइन आप रखना चाहें 0.3, 3.0, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी करती है क्या है ब्लीड लाइन जो है वो ये करती है कि जो आपका पेज के एजेस है ना, उस पेज के एजेस को प्रिंटिंग के दरमियान ट्रिम कर देती है साइड से, कि जो जो एरिया आपके, अगर आप फॉर एग्जांपल, अक्सर ऐसा होता है पंफलेट्स आपके बनते हैं तो एक बॉर्डर स्टाइल के ऊपर लिखा हुआ आता है, एक हेडिंग आती है कि भाई आपने इतने पंफलेट्स जो हैं वो प्रिंट करवाए, ठीक है। तो जो लाइन लिखते हैं वो आपके एक्चुअल पेज के बॉर्डर से, मार्जिन से बाहर निकल के ब्लीड एरिया के अंदर लिखे जाते हैं, और कोई भी रिज़ल्ट जो है वो ब्लीड लाइन का आपके एक्चुअल पेज के एजेस के ऊपर शो नहीं, ठीक है जी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपसे अकॉर्डिंग टू ब्लीड और मार्जिन, क्योंकि जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कर लेंगे उस क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले पेजेस को सेट करेंगे, किस तरीके से आप हैडर फूटर अप्लाई कर सकते हैं अपने हर पेज के ऊपर। सो अगर आपको आज की इन डिज़ाइन की शॉर्ट रिव्यू समझ में आया हो तो काइंडली लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिर्फ शॉर्ट रिव्यू दिया मैंने, इसमें सिंपल कोई सॉफ्टवेयर पर वर्क करके नहीं दिखाया आपको,
वन मोर थिंग, इफ़ यू रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई भी एडोबी के सीसी वर्जन के सॉफ्टवेयर चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो कमेंट पास कर सकते हैं, और जिनको रिक्वायर्ड है वो अपना कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, मैं उनको इंशाल्लाह डेफिनेटली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कर दूँगी एडोबी का पूरा सेटअप। ठीक है जी, सो अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, सो चैनल के ऊपर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफिज़।